अपन लोग दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं पुस सिम्युलेटर एंड वेल आज की वीडियो में अपने पास करने के लिए बहुत कुछ है बट वेल सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, डाल लेते हैं कोड, क्योंकि वेल ये गेम में आया है कोड तो मैं भूलूं उससे पहले इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो वेल कोड है अपना सॉरी, या मतलब आई डोंट नो गेम वाले क्यों बोल रहे हैं बट यस ये कोड है, सॉरी ट्रस्ट मी ये कोड है, अच्छा सॉरी माय बैड मे बी कैपिटल होगा, ठीक है सॉरी यस कैपिटल सॉरी एंड कोड डज नॉट एग्जिस्ट, मे बी भाड़ में जाओ तुम लोग, ठीक है कोई ना अभी के लिए दूसरी चीज कर लेते हैं। तो वेल दूसरी चीज है ये अंडा, 5 मिलियन स्पेशल अंडा जिसके अंदर भैया 0.01% पे अपने को ये लोंडा मिलेगा, इवन तो वो दिख नहीं रहा अभी किसी रीजन से बट जल्द ही वो विजिबल हो जाएगा, ओके। एंड उसके अलावा स्पिन, भाई आप लोग यहाँ पर 3 स्पिन कर सकते हैं तो लेट्स ट्राई, क्या पता अपने को ये तोता मिल जाए, है ना। आई नो कि वो बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाएगा बट प्लीज मेरे को ये तोता दे दो, लिटरली मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। 2x स्ट्रेंथ, भाई मैं इसका के करूंगा, एक स्पिन बचा लेते हैं क्या पता दोबारा 2x स्पिन मिल जाए तो काम आएगा, बाद में काम आएगा, ओके। एंड उसके अलावा यहाँ पर अपन लोग ये ह्यूज ब्लेज क्विस्ट ले सकते हैं जिसको एक्चुअली व्यू कर लेते हैं और कैन आई क्लेम, ऑफकोर्स मैं नहीं कर सकता, अपने को उसके लिए 120 मिनट खेलना पड़ेगा, राइट। एंड क्या मैं ये अंडा ले सकता हूँ, एक्सक्लूसिव बैग प्ले फॉर 60 मिनट टू गेट द एक्सक्लूसिव बैग, लिटरली फाड़ में जान दो, ओके। ऑलराइट यहाँ आ जाते हैं और इस अंडे की पावर ट्राई कर लेते हैं, पहले 8 अंडे ओपन कर लेते हैं, क्या पता अपने को कुछ बेहर अंडा मिल जाए, एपिक 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 कॉमन, ओके। पहले इनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, अगर मन भाया तो अपन इस पर मेहनत करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे, और वॉट हैपनिंग विथ माई बंदे, भाई ये सारे बंदे ओपन क्यों नहीं हो रहे, इवन तो ये रहे 5 मिलियन वाले, ओके। तो इसकी पावर है 6 6 6 6, वेट एपिक के पीछे है और कॉमन के पीछे है, वाओ वियर्ड एक्चुअली। एंड वेल उसके अलावा अपने ह्यूज पेंगुइन की स्ट्रेंथ है 150 और इसकी है 174, यस ऑफ कोर्स। ऑलराइट तो वेल मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, इन तीनों को नहीं लेते, एक्चुअली मैं कहूँ तो इसको भी नहीं लेते, है ना। थोड़ी टाइम इसको ऐसे ही ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या अपने वो कुछ मिलता है काम का या फिर नहीं मिलता, जी हाँ। बट इन सभी से पहले एक काम और कर लेते हैं, आ जाते हैं और अपने जितने भी फालतू के बंदे हैं इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं इनका कुछ करूँगा, सो जस्ट डिलीट दैम एक्चुअली। एंड वेल आ जाते हैं यहाँ पर और काफी सारे अंडे ओपन कर लेते हैं। ऑल राइट तो वेल अपनी स्टोरेज फुल भर चुकी है, इसका मतलब अपने को काफी सारे बंदे मिले हैं और वेल हो सकता है पॉसिबली अपने को ये वाला भी मिला हो, वेल लेट्स सी देखते हैं चलो, है ना। एंड इसका नाम भी नहीं देखा मैंने बट कोई कलेक्शन नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। तो ये वेटिंग बर्ड ह्यूज 5 मिलियन फीनिक्स और इसकी स्ट्रेंथ है 250, यप डेफिनेटली ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड बात करूं मैं इन लोगों की तो नहीं ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बट हाँ ये वाला, यप ये वाला डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है और इसकी भाई इसकी मतलब वो देखो वैल्यू सिर्फ 3.10k प्लेयर्स पर ही ये वाला पैट है, यानी कि हाँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो वेल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत और अगर मेरे को ऐसे एक दो बंदे मिल जाए तो भाई मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, हाँ मैं सोचते हैं उसकी, ठीक है उसकी सोचते हैं। बट पहले यहाँ ये स्पिन कर लेते हैं क्योंकि आई वॉन्ट लक, अगर मिला तो बट नहीं मिलेगा अपने को मिलेगी स्ट्रेंथ, सो कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं थोड़ी देर और ग्राइंडिंग कर लेते हैं और देन उसके बाद यहाँ पर आकर इसको दोबारा ओपन करेंगे। बट अभी के लिए Let's go. Wait. उधर नहीं ऑब्वियसली बात है टेलीपोर्टर से जाएंगे क्योंकि मतलब वैसे जाऊंगा तो भैया 2-3 मतलब वर्ल्ड कूद कूद के जाना पड़ेगा, उससे बेटर ये है एक्चुअली, है ना। ऑलराइट सो वेल अब अगले वर्ल्ड के लिए अपने को चाहिए 300 बिलियन विंस और अपने पास करेंटली 60 मिलियन, तो फिर अब अपने को थोड़ी सी कुटाई करनी पड़ेगी। और उसके अलावा वेट एक मिनट में यहाँ आ जाता हूँ और अपने लिए इक्विप्ट कर लेता हूँ खतरनाक वाला डंबल, जो वीआईपी वाला नहीं ये वाला जो ऑलरेडी है मेरे पास, बहुत ही अच्छे।
ऑलराइट, तो वेल अब अपने को मिल रहे हैं 38.5 बिलियन पर क्लिक। यानी वेल ये अपन लोग थोड़ी देर साइटामा के नाल खेलेंगे तो अपने को काफी माल मसाला मिल जाएगा। और उसके अलावा अपने पास 9 मिनट का ये है, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर अपन अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेते हैं और देन अपन लोग फाइट करेंगे साइटामा के साथ। ऑलराइट, तो वेल अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 164 ट्रिलियन। यानी वेल अपन लोग काफी बार साइटामा को पेल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर तुम देख सकते हो भैया सीजन 1 का गेम पास आ चुका है, जिसको अपन अगर चाहें तो ले सकते हैं और इसके अंदर अपने को बहुत सी चीजें मिलेंगी। लाइक वेल ये सीजन एक्ट 2x पावर सीजन गेम पास एक्सेट्रा वगैरह बहुत सारी चीजें है ना। बट वेल मैं सही कहूँ ना, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, सो इसको लीव करते हैं ना। एंड वेल अब फोकस कर लेते हैं ऑटो ट्रेनिंग नहीं ऑटो पुशिंग पर, जो अपन करने वाले हैं साइटामा को। और अपन लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने को डिफीट नहीं कर पाएगा। एंड वेल इसको डिफीट कर करके अपन लोग कर लेते हैं 300 बिलियन विंस। ऑलराइट, तो वेल अपने पास हो चुके हैं 320 बिलियन विंस। तो वेल चल लेते हैं अपन न्यू वर्ल्ड में। एंड उसके अलावा भैया अपन ने जो अपने वो ह्यूज फीनिक्स मिला है उसको देखा ही नहीं भाई, भला अच्छे से निहारा ही नहीं अभी तक उसको अपन ने। तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों बंदों को कर देते हैं इक्विप्ड और इसको ही कर लेते हैं इक्विप्ड। एंड ये है अपना ह्यूज फीनिक्स, जो लिटरली भैया फीनिक्स कम और सांड ज्यादा लग रहा है देखने में, बट या ह्यूज फीनिक्स या कह सकते हो तुम, ठीक है। ऑलराइट, तो वेल एक काम कर लेते हैं आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ पर भाई ये वर्ल्ड बड़ा सही लग रहा है। ओ भाई साहब, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में यार, है जी। और उसके अलावा यहाँ पर ये दो अंडे हैं, पहले अंडे की कीमत है 18 ट्रिलियन और ओके ट्रिलियन में पहुंच गया यहाँ तो माल पानी भाई। और ये इजिप्शियन वाला एरिया टाइप का लग रहा है। और अगला वर्ल्ड है अपना आइस वर्ल्ड, जिसके लिए अपने को बहुत सारी विंस चाहिए। और यहाँ पर अपन लोग फाइट करने वाले हैं मम्मी के साथ। एंड देखो जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ कि ये भी भैया मम्मी ही होती है। ओके ओके, तुम कह लो कि वो भैया ऐसी बिना सजी धजी मम्मी और ये सजी धजी मम्मी। ओके, एंड ये है अपनी पायरेट मम्मी। हाँ, इवन दो ये स्कैरी लग रही है। और ये वाली है अपनी ये मम्मी नहीं है, मम्मी बनने से पहले वाला बंदा है एक्चुअली। और ये है अपनी या दा मम्मी फाइनल बॉस। ओके, फेरो एंड एनुबिस और मिस्टिक वॉरियर एंड स्केमेथ और मम्मी। और इसके लिए अपने को चाहिए भैया 500 ट्रिलियन पावर। व्हाट द हेक, आर यू सीरियस, 500 ट्रिलियन? नहीं, मजाक कर रहे हो? अरे हाँ ना, उस हिसाब से यहाँ पर अपन वेपन भी ले सकते हैं। लाइक भैया यहाँ पर 103 ट्रिलियन में अपन ये ले सकते हैं। ओके, गिव मी दैट। एंड अब 123 बिलियन, वेल दैट्स मच बेटर एक्चुअली, है ना। इस हिसाब से अपन लोग अपनी ये जो विंस और अपनी स्ट्रेंथ है ये अभी ही कर लेंगे। और उसके अलावा अगले के लिए चाहिए 195 ट्रिलियन। ऑलराइट, वेल ये भी अभी ही हो जाएगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। एंड उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं अपन लोग दोबारा चल लेते हैं मेन वर्ल्ड में और वहां जाके थोड़ी सी और अंडा ओपनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को भैया और इस तरह के फीनिक्स चाहिए, देन बाद में इनको अपन गोल्डन में कवर कर लेंगे। एंड उसके अलावा क्या इस वर्ल्ड में कोई मशीन एक्सेट्रा है जहां पर मैं अपने बंदों को और भी पावरफुल बना लूं? हैं? मैं सही कहूं, मेरे को नहीं लग रहा कोई और जगह है, तो लीव इट एक्चुअली, है ना। एंड उसके अलावा भैया अपन लोगों ने अभी तक तो वही क्या बोले एनिमी कैरेक्टर्स को फेंका है, बट अब सीन डिफरेंट है। एनिमे कैरेक्टर नहीं है, अब द मम्मीज है यहाँ पर। और वेल उसके अलावा अगला वर्ल्ड है अपना आइस वर्ल्ड, तो वहां पर अपने को इसी ही तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे, लाइक येटी। येटी आइस एरिया में मिलते हैं ना, येटी एंड बिगफुट। या बिगफुट भी वहीं पे मिलते हैं। और उसके अलावा मेरे पास हो चुके हैं 195 ट्रिलियन, एक्चुअली 196 ट्रिलियन, तो इसको अवश्य ले लेते हैं। और अब अपने को मिलेंगे 378 बिलियन। ओ बॉय, और अपने 1 ट्रिलियन लिटरली 1 क्लिक में हो रहे हैं, तो इसके लिए अपने को कितना चाहिए था, 500 ट्रिलियन। ओ बॉय,
अभी कर लूंगा, लिटरली अभी कर लूंगा, ओके। बट मैं उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, वापस चल लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में और वहां जाकर थोड़ी अंडा ओपनिंग कर लेते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट मोर एक्चुअली, है ना। सो वेल, फॉरेस्ट में आ जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने पास बंदे हैं जो अपने को मिले थे सेकंड वाले, कैसे बताऊं, ये वाले 0.49% वाले, ये भाई मेरे पास लिटरली भरे पड़े हैं कती, तो या तो इनको भैया मैं गोल्डन कर लूँ या इनको मैं ट्रेड कर लूँ। सो वेल, मेरे दिमाग में आ रहा है कि गोल्डन कर लो एंड वेल अब इनको ट्रेड कर लो, सिंपल है ना। एंड उसके अलावा इनकी स्ट्रेंथ हो गई है भैया 40, या नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली, है ना। सो जस्ट सिंपली किसी भी सहायतामंद के बोले किसी जरूरतमंद को इन्हें ट्रेड कर लेते हैं, अगर किसी की ट्रेडिंग ओके इसकी है एक्चुअली, है ना। एंड यहाँ जाते हैं और इन सभी को हटा देते हैं और ऑटो ऑन कर देते हैं और लेट्स ओपन अ लॉट ऑफ एग एक्चुअली, है ना। ऑल राइट, तो वेल भैया अपने को एक घंटे से भी ज्यादा हो चुका है एंड अपन लोगों ने ओपन कर लिए हैं काफी सारे अंडे एंड वेल अब टाइम आ चुका है ये देखने का कि अपने को क्या मिला है। सो वेल भैया अपने को ओके एक और अपने को ह्यूज फिनिक्स मिल चुका है, बट उस ओके नहीं भाई, लिटरली एक घंटे के हिसाब से ये दो वर्थ इट कतई नहीं है, दो का एक नो एब्सोल्युटली नो, ठीक है ये कतई वर्थ इट नहीं है ना भाई, एक घंटे में इतना सा ना भाई ना, मैं लिटरली इससे बेटर तो ग्राइंडिंग कर लूँ वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। अब मैं नहीं कर रहा अंडा ओपनिंग बिल्कुल भी भाई, एक घंटा और सिर्फ दो ही अंडे, मजाक हो रहा है कि। एंड वेल अब अपने को मिल रहे हैं 222 बिलियन, यप बहुत है एक्चुअली, है ना। एंड उसके अलावा भैया इस वाले के लिए अपने को चाहिए 372 ट्रिलियन और देन अपनी स्ट्रेंथ काफी हो जाएगी, और उसके अलावा उस द मम्मी से फाइट करने के लिए अपने को कुछ 300 ट्रिलियन चाहिए था ना, 500 ट्रिलियन, ओके। अच्छा वेट, आओ मेरे को अभी याद आया कि अपन लोगों ने भैया कोई बूस्ट एक्सेट्रा ऑन नहीं कर रखा, दैट्स व्हाई अपने को इतना कम माल पानी मिल रहा है, ओके। भाई मेरे को अंडा तो नहीं चाहिए था डेफिनेटली कतई भी, है ना, बट फिर भी इन्हें दे दिया, प्लीज अंडा मत दो, बूस्ट एक्सेट्रा दो मुझे, है ना। सुपर लक बूस्ट कतई नहीं चाहिए मेरे को, भाई मेरे को जो चाहिए वो दो ना, ये फालतू चीजें क्यों दे रहे हो। यस थैंक यू, विंग बूस्ट एंड स्ट्रेंथ बूस्ट, ओके दैट्स मच बेटर। एंड वेल अब अपने को मिल रहे हैं 444 बिलियन, एब्सोल्युटली नाइस, एंड इसी स्पीड के नाल अपने 300 ट्रिलियन लिटरली अभी ही हो जाएंगे क्या भैया, हो गए अपने 300 ट्रिलियन, तो यहाँ हाँ हो गए अपने 300 ट्रिलियन, तो यहाँ जाते हैं और 372 ट्रिलियन, ऑलराइट ये लो हो गए अपने 372 ट्रिलियन भी, तो ये वाला अपन ले लेते हैं डंबल, और अब अपने को मिलेंगे 622 बिलियन, यप डेफिनेटली बहुत तेज है ना। तो वेल इस स्पीड के साथ अपन लोग इस द मम्मी को अभी ही डिफीट कर सकते हैं, और उसके अलावा इस लोंडे के पास कौन सा पैट है, हाँ अच्छा ये वाला 550, सही है भाई, मेरे बंदों की तो स्ट्रेंथ भी नहीं है, उसकी तो बहुत है एक्चुअली, है ना। एंड वेल अगर मैं इसी स्पीड में लग रहा हूं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, सो एक काम कर लेते हैं यहाँ जाते एंड इनको नहीं लूंगा, डोंट वरी, मुझे नहीं लग रहा है इनमें किसी में भी स्ट्रेंथ होगी। सो ह्यूज योगा 800, नहीं एक्चुअली, है ना। और वेट, तो अगर अपन प्लस 4 इक्विपमेंट बाय कर ली तो अपना काम बहुत तेज हो जाएगा, बट मैं एक्चुअली 2 पैट्स में भी सेटिस्फाई हूँ, बट चलो सही है 4 ले लेते हैं ना, ये भी बुरा नहीं है, 4 भी सही रहेगा। तो वेल अपन ले लेते हैं 4 पैट इक्विप्ड एंड अब अपनी पावर पहले से 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, थैंक यू सो मच, आई नो एवरीथिंग एक्चुअली, है ना। ऑलरेडी आ जाते हैं इक्विप बेस्ट कर लेते हैं, अब अपन लोग इक्विप्ड कर सकते हैं बहुत सारे बंदे, और अब अपनी स्ट्रेंथ 1.4 यप पहले से काफी सही है एक्चुअली, है ना। और उसके अलावा भैया ये तो अभी कमजोर है, अभी तो इनसे भी स्ट्रॉन्ग बंदे अपन इक्विप करेंगे, देन अपनी स्ट्रेंथ देखना तुम लोग तो एक्चुअली, है ना। पर वेल उसके लिए अपने पैसा चाहिए ताकि अपन इस वर्ल्ड के अंडे ओपन कर सके,
ओके वेल, ये काम भी अपना जल्दी हो लेगा और अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 590, और एक्चुअली मैं इसको 600 कर लेता हूँ और अब इस द मम्मी को अपन डिफीट कर सकते हैं बड़े ही आराम से, बड़े आराम से भाई। उसकी स्ट्रेंथ है 500 ट्रिलियन, मेरी है भैया 601 ट्रिलियन, तो यस ऑफ कोर्स उसको डिफीट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और वेल इसको डिफीट करके अपने को मिलेंगे कितने में, 620, ओके नॉट बैड नॉट बैड। ऑलराइट तो वेल मैं सोच रहा हूँ एक अपन रिवर्थ कर ले या फिर अपन यहाँ जाते हैं और एक अंडा ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली अंडा ओपनिंग से बेटर मेरे हिसाब से अपने को रिवर्थ कर लेनी चाहिए राइट। सेवन वेल मैं एक्चुअली पहले एक अंडा ओपन कर लेता हूँ और देन अपन करेंगे रिवर्थ, या ये ज्यादा सही रहेगा। एंड वेल अपने को मिला स्कॉर्पियो एंड इसकी स्ट्रेंथ है ओके वेल मेरे बंदों से तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है ठीक है, तो इसको अपन इक्विप कर लेते हैं और ओके मेरे बंदों से स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओह यस डेफिनेटली नाइस, ओके वेल रिवर्थ कर लेते हैं ठीक है। रिवर्थ करना भी एक उचित ऑप्शन है अपने लिए, तो वही कर लेते हैं ठीक है। एंड वेल थोड़ी देर इस द मम्मी को डिफीट कर लेते हैं और के चाहिए बेबी क्या है भाई, ये तो इतनी डरावनी भी नहीं है एक्चुअली है ना। गई वो। एंड वेल इससे अपने को पैसा सही मिल रहा है, यो जरूर है ना, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ जाते हैं अपने लिए ले लेते हैं नया डम्बल, क्योंकि नए के लिए 760 ट्रिलियन चाहिए। हाँ और राइट वेल ये लोग हो गए 760 ट्रिलियन, तो यहाँ जाते हैं इसको ले लेते हैं और अब आपने को मिलेंगे 1.53 ट्रिलियन, बहुत तेज एक्चुअली है ना। सो एक काम कर लेते हैं, इसके लिए अपने को चाहिए 500 ट्रिलियन और इसके लिए अपने को चाहिए 2.5 QD, ओके बहुत ही ज्यादा, बट अपने को भैया ट्रिलियन में वो चाहिए होगी विंस, देन अपन ये वाला अंडा ओपन कर पाएंगे 18 ट्रिलियन वाला एक्चुअली है ना। सो मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर अपन स्ट्रेंथ अप कर लेते हैं और देन चलते हैं अपना काम कंटिन्यू करने है ना। और इस लोंडे की स्ट्रेंथ पहले मेरे से ज्यादा थी और अब कम हो चुकी है। या आई फील ब्रोदर, आई फील तेरा दर्द एक्चुअली है ना। ऑलराइट वेल बाढ़ में जान दो, इस द मम्मी से नहीं लड़ते हैं पर अपन लोग इस फेरो से लड़ेंगे, इस सेकमेट व्हाटएवर जो भी इसका नाम है मैं इसी के नाम फाइट करूंगा, जिसके लिए मुझे चाहिए 2.5 QD यानी कि 300 QD, 300 QD में अपना काम हो जाएगा। एंड वेल अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 2.70 QD और उसके अलावा अपने पास हो चुकी है 24.3 ट्रिलियन विंस, यानी वेल अपन अंडा भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ये भी ले सकते हैं जिससे अपने को मिलेंगे 1.53 ट्रिलियन, बट ये है बिना बूस्ट की। यप अपना बूस्ट ओवर हो चुका है और उसके अलावा ऊपर से अंडा लूंगा तो भी अपनी स्पीड इंक्रीज होगी, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। यस ऑलराइट एक अंडा ओपन करके देख लेते हैं जिसमें अपने को कॉमन बंदा मिला, बंदा है ओके नॉट अ बिग डील। एक काम कर लेते हैं इनको हटा देते हैं और 8 अंडे ओपन करते हैं, प्लीज गिव मी लेजेंडरी, ओके वेल नॉट बैड। अपने वो सारे ही स्कॉर्पियन मिले, मतलब क्या मतलब काइंड ऑफ ये बुरा भी नहीं है ना।